हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। देखिए, आरबीआई की तरफ से जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर कल डिसीजन हमारे सामने आए थे, वहाँ पे आरबीआई ने डिसाइड किया था कि हम जो पॉलिसी रेपो रेट है, रेपो रेट एक तरह की शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई के द्वारा जो बैंक्स हैं उनको लोन दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो बैंकों को अगर उधार लेना है आरबीआई से, तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा उसको कहते हैं रेपो रेट। अब हो ये रहा है कि रेपो रेट को लगातार बढ़ाया जा रहा है आरबीआई की तरफ से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो इससे इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो महंगाई का स्तर काफ़ी लंबे समय से ज़्यादा ही चल रहा था, उस उद्देश्य के साथ ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई यहाँ पे जो है रेपो रेट को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरबीआई ने यहाँ पे पॉज ही रखा है, जैसा आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं कि रेपो रेट लगातार ये जो पीरियड है 4% वाला, अगर आप इसको देखेंगे तो ये COVID-19 का पीरियड है जिसमें आरबीआई की तरफ से रेपो रेट को काफ़ी कम कर दिया गया था, क्योंकि कोरोना में बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे थे टू गेट एक्सेस ऑफ द मनी और कैपिटल। तो आरबीआई ने देखा कि इसको जितना हम इंटरेस्ट रेट को कम रख सकते हैं, जितना आसानी से बिजनेसेस को सबको पैसा उपलब्ध कराया जाए, उतना इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से होगी, इकोनॉमी रिसेशन से बाहर आ पाएगी। तो इस पूरे उद्देश्य के साथ लगभग 8 लाख करोड़ रुपये एक्स्ट्रा मार्केट में गया, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा गया इसकी वजह से मार्केट में महंगाई और ये सब चीज़ें अभी चल रही है। और भी काफ़ी रीज़न है महंगाई के, लेकिन ये एक मेजर रीज़न है, मनी सप्लाई जो बढ़ी है। आरबीआई इस बढ़ी हुई मनी सप्लाई को कम करने का प्रयास कर रहा है, और आप देखोगे लगातार आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ रही है। 4% थी, 4% से बढ़ा के इसको 6.5 पे कर दिया, अब ये 6.25 तक है और ये अब आपका बढ़ के 6.5 तक चला गया। तो अब यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरबीआई इस बार भी 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आरबीआई ने ऐसा नहीं किया। आरबीआई ने पॉज किया, क्योंकि आरबीआई यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंश्योर करना चाह रहा है कि आरबीआई का डिसीजन सही है नहीं है, इसको एक अलग वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर वीडियो में, कि आरबीआई ने जो डिसीजन लिया इसका बॉन्ड यील्ड पे क्यों निगेटिव प्रभाव पड़ा, क्योंकि इंडिया के जो बॉन्ड यील्ड है ये क्रैश हो गई एकदम से आरबीआई के इस डिसीजन के आने के बाद में। जैसा आप इसमें देख पाएंगे, देखिए आरबीआई की एमपीसी मीट हुई, आरबीआई के डिसीजन बाहर आए, और उसके बाद जो बॉन्ड यील्ड है एकदम से क्रैश कर जाती है। और बॉन्ड क्या होते हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए, बॉन्ड जो होता है एक तरह का होता है बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड मतलब एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट आप कह लीजिए, जिसपे आपको मान लीजिए सरकार को उधार चाहिए तो सरकार ये बॉन्ड इशू करेगी, एक तरह से पेपर सर्टिफिकेट टाइप ये है। तो सरकार के द्वारा ये बॉन्ड इशू किया जाएगा, और जो भी इसको खरीद रहा है, मान लीजिए सरकार ने 100 रुपये पे बॉन्ड इशू किया, तो जिस प्राइस पे बॉन्ड इशू किया जाता है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। और जो भी इसको खरीदेगा, मान लीजिए जो भी व्यक्ति या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसको खरीद रहा है, तो वो 100 रुपये यहाँ पे बॉन्ड उस व्यक्ति के पास आ जाएगा और ये 100 रुपये सरकार के पास चले जाएंगे। तो ये एक तरह से उधारी लेने का एक तरीका हो गया। अगर कॉरपोरेट हाउसेज लेते हैं तो उनके लिए कॉरपोरेट बॉन्ड का प्रचलन रहता है। तो ये बॉन्ड एक तरह से क्या है, उधार लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, और ये फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस प्राइस पे बॉन्ड को इशू किया है, जैसे जो प्राइस है हमने 100 रुपये लिया, वो फेस वैल्यू होती है। इस पे अब कोई भी व्यक्ति बॉन्ड खरीदेगा क्यों, क्योंकि उस पे एक इंटरेस्ट रेट जिसे हम कहते हैं कूपन रेट ऑफर की जाती है, इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट। मान लीजिए सरकार ने कहा कि 10% की आपको कूपन रेट दे रहे हैं, तो जो भी कूपन रेट होगी ये फेस वैल्यू पे ही अप्लाई होती है, मतलब फेस वैल्यू का 10% आपको मिलेगा। मतलब ये हो गया एक तरह का फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, आपको ये 10% इसका मिलेगा। मतलब ये फिक्स है कि बॉन्ड की जो प्राइस आज 100 रुपये है, चाहे बॉन्ड की प्राइस आगे जाती है पीछे जाती है, आपका फिक्स हो गया कि आपको ये 10 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया, फाइन। इसे ऐसे देखते हैं, देखो बॉन्ड की जो प्राइस है, बॉन्ड की अगर जो प्राइस है ये हमने यहाँ पे ली कि 100 रुपी है, 100 रुपी पे जो कूपन रेट ऑफर किया गया था वो 10% का था, इसका मतलब आपको 10 रुपये मिल रहे थे, 10 रुपये मिल रहे थे। तो जो रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हो गया आपने कितना पैसा लगाया और आपको रिटर्न में कितना मिल रहा है। तो इस फर्स्ट वाले केस में, इस वाले केस में हम देखेंगे कि जिस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा होगा उसने 100 रुपये खर्चा किया, उसको 10 रुपये का फायदा हो रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम बॉन्ड यील्ड भी कह देते हैं, ये बॉन्ड यील्ड क्या हो गया इसका, बॉन्ड यील्ड आप कहोगे कि सर 10% यहाँ पे हो गया, 100 रुपये लगा के 10 रुपये कमाए तो 10% बॉन्ड यील्ड हो गया। अब होता क्या है, बॉन्ड मार्केट होता है पूरा, जैसा शेयर मार्केट होता है वैसे बॉन्ड मार्केट भी होता है। तो बॉन्ड की जो डिमांड होती है, अब ये हम सभी जानते हैं कि किसी भी वस्तु की अगर डिमांड बढ़ती है, सप्लाई ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर उसकी प्राइस भी यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है, प्राइस भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी, किसकी, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, तो बॉन्ड की प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। तो हम सपोज करते हैं कि बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है मार्केट के अंदर,
और जब बॉन्ड की डिमांड इस तरह से मार्केट में बढ़ेगी तो डेफिनेटली लेट अस से हम इसको 200 रुपये मान लेते हैं कि बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई। हम ये जो डेटा ले रहे हैं ये एग्जांपल को सिंपल बनाने के लिए ले रहे हैं, तो हम मानते हैं अज्यूम करते हैं कि 100 रुपये पहले था लेकिन बॉन्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही है, इस वजह से बॉन्ड की जो प्राइस है ये बढ़ के 200 हो गई। अब जो भी व्यक्ति बॉन्ड खरीदेगा उसको 200 रुपये खर्चा करना है, लेकिन उसको रिटर्न क्या मिल रहा है, वही 10 रुपये ही मिल रहा है क्योंकि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, वही 10 रुपये मिलेगा। तो अब जिस व्यक्ति ने 200 रुपये लगाए हैं उसको 10 रुपये रिटर्न मिल रहा है, तो ये बॉन्ड यील्ड या रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, आपका हो गया सर 5% हो गया, मतलब बॉन्ड यील्ड कम हो गई। बॉन्ड यील्ड तो कम हो गई लेकिन बॉन्ड की प्राइसेस तो बढ़ गई ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉन्ड की प्राइस होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड यील्ड के। इसको हमेशा याद रखिए, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स लगता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ध्यान रखेंगे। तो बॉन्ड प्राइस जब बढ़ रही है तो बॉन्ड यील्ड घट रही है, इसी तरह से बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। हम मानते हैं कि बॉन्ड की जो डिमांड है वो यहाँ पे कम हो गई है, बॉन्ड की डिमांड कम हो के लेट अस से डिमांड कम हो गई तो इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, लेट अस से 50 रुपये बॉन्ड प्राइस हो गई, लेकिन पैसा तो आपको वही मिल रहा है 10 रुपये। तो ये 10 रुपये जो भी व्यक्ति खरीद रहा है 50 रुपये का बॉन्ड, उसको 10 रुपये का यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, इट मीन्स 20% ये रिटर्न हो गया। तो कहने का मतलब है इस एग्जांपल से हमने देखा कि बॉन्ड जो प्राइस हैं और बॉन्ड यील्ड हैं ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। जब बॉन्ड की प्राइस बढ़ रही है, बॉन्ड की प्राइस क्यों बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, फाइन, तो जब डिमांड बढ़ेगी तो बॉन्ड की यील्ड नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं सब ये मान के चल रहे थे कि आरबीआई का जो डिसीजन होगा यहाँ पे ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा। क्यों? क्योंकि सब मान के चल रहे थे कि इन्फ्लेशन यार 6% से ऊपर क्रॉस कर चुका है, आरबीआई की खुद की लिमिट है कि 6% को क्रॉस नहीं करना चाहिए, सीपीआई सी जो कि इन्फ्लेशन को मीजर करता है, अब ये 6% को क्रॉस करके चल रहा है, तो आरबीआई डेफिनेटली कोशिश करेगा महंगाई कंट्रोल करने के लिए कि मनी सप्लाई को कम करे। मनी सप्लाई को कम करने का तरीका है आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, तो जो इंटरेस्ट रेट है ये जो रेपो रेट है उसको बढ़ाने की बात सब मान के बैठे थे, लेकिन आरबीआई ने यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज किया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा इनके लिए सरप्राइज हो गया क्योंकि बॉन्ड मार्केट में तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ये देखने को मिले। तो ये जब इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने नहीं बढ़ाई, जबकि यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट थे वो मान के बैठ रहे थे कि जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाएगी, फाइन, क्योंकि देखिए जब मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट अच्छा होता है, मार्केट में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इसकी वजह से आप देखोगे कि बॉन्ड जो होता है उनकी जो प्राइसेस हैं वो राइज करना स्टार्ट होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड की प्राइस यहाँ पे गिरना स्टार्ट होती है, बॉन्ड की प्राइसेस गिरना स्टार्ट होती है। क्यों बॉन्ड की प्राइस गिर रही है? क्योंकि बॉन्ड की अब डिमांड गिरना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मार्केट में अगर आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मतलब आपको और अच्छा ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है कि मार्केट में ही इन्वेस्ट करके हमें अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर लोग बॉन्ड की तरफ कम आकर्षित होते हैं, कम अट्रैक्ट होते हैं, तो इससे बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है। बॉन्ड की डिमांड कम हो जाती है डेफिनेटली तो फिर क्या होगा, बॉन्ड की प्राइसेस कम हो जाती है, बॉन्ड की प्राइस कम होती है तो यील्ड बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं, शॉर्ट सेलर का ये टर्म आपने सुना होगा जब अडानी का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट सेलिंग में लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शेयर है उसकी प्राइस वो मान के बैठे हैं कि आज हमने 100 रुपये पे खरीदा है, अब ये जो शेयर है आने वाले टाइम में इसकी प्राइस जो है नीचे जाएगी, वो ये मान के बैठे हैं, तो आज हम इसको महंगा बेच देंगे, 100 रुपये में बेच देंगे, जब ये सस्ता हो जाएगा लेट अस से 80 रुपये का हो जाएगा तो हम इसको खरीद लेंगे। तो हमने महंगा बेचा और सस्ता खरीद लिया, तो इस पूरे प्रोसेस में हमने मुनाफा कमा लिया। तो इसी तरह से बॉन्ड मार्केट में ये लोग क्या करके बैठे थे कि जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगी, जैसा ये मान के चल रहे थे कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट रेपो रेट को बढ़ाएगा, तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, जब आरबीआई ये डिक्लेयर करेगा तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जब आरबीआई बढ़ाएगा तो बॉन्ड प्राइस फॉल करेगी, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में जब बॉन्ड प्राइस गिरेगी, क्यों नहीं उससे पहले ही हम ये अपने बॉन्ड जो है बेच दें मार्केट में, 100 रुपये का बॉन्ड है इसको हम क्यों नहीं इस तरह से आने वाले टाइम में ये फॉल करेगा लेटर से 80 रुपये पे आएगा तो हम इसको पहले ही बेच देते हैं, और फिर जब ये नीचे गिर जाएगा बॉन्ड की प्राइस नीचे गिर जाएगी, क्यों, क्योंकि ये मान के बैठे थे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगी, तो जब बॉन्ड की प्राइस नीचे गिर जाएगी बॉन्ड सस्ता हो जाएगा तो हम इसको खरीद लेंगे, इस तरह से मुनाफा कमा लेंगे। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं इसी तरह से अपना पूरा करते हैं, लेकिन ये सब इस पूरी कैलकुलेशन को करके बैठे थे, आरबीआई ने इनको झटका दे दिया, आरबीआई ने झटका ये दे दिया कि भैया इंटरेस्ट रेट तो बढ़ नहीं रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ नहीं रहा तो फिर ये पूरी इनकी जो भी कैलकुलेशन थी है ना ये फेल हो गई कि ये जो बॉन्ड प्राइस है ये फॉल करेगा वगैरह वगैरह। तो इन्होंने वापस से क्या किया, जो अपनी शॉर्ट सेलिंग कर रखी थी, मतलब जिनको इन्होंने परचेज़ के लिए लगा रखा था, चाहे फॉरवर्ड में है फ्यूचर पे, तो इनको इन्होंने दोबारा से खरीदना स्टार्ट किया, और इस खरीदने में एक पैनिक क्रिएट हो गया, इन्होंने क्या किया शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट कर दी। शॉर्ट कवरिंग कहते हैं जो आपने इनिशियली जिन सिक्योरिटीज़ को बेचा था, मतलब जो बॉन्ड्स आपने बेचने के लिए इस तरह से रख दिए थे या बेच दिए थे इस आशा के साथ कि आज महंगा बॉन्ड बेच रहे हैं बाद में ये सस्ता होगा तब खरीद लेंगे, तो जिन बॉन्ड्स को आपने बेच दिया था
अब इंटरेस्ट रेट का तो कुछ हुआ नहीं, तो आप अब उनको क्या कर रहे हो, पैनिक क्रिएट हो गया कि आरबीआई ने तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं, तो बॉन्ड की प्राइस नीचे जाएगी नहीं, हो सकता है इंक्रीज ही कर जाए। तो आज जो बॉन्ड हमने 100 रुपये का बेचा है, हो सकता है आने वाले टाइम में हमें 105 रुपये का मिले, तो जितना जल्दी खरीद सको खरीद लो। तो इन्होंने शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट की। शॉर्ट कवरिंग मतलब अपनी खुद की जो इनिशियली बेची हुई सिक्योरिटी या बेचे हुए बॉन्ड्स हैं उनको वापस से खरीदना स्टार्ट किया, क्योंकि आरबीआई के इस डिसीजन के कारण एक पैनिक क्रिएट हो गया, जैसा मैंने बताया कि एक तरह का सरप्राइजिंग एलिमेंट था। फाइन, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसने क्या किया, इसने जो भी बॉन्ड्स थे उनकी प्राइसेस को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि सब पैनिक की वजह से क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। अब किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती है, और हम इस चीज़ को अभी समझ के आए हैं कि जो बॉन्ड की प्राइस होती है ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है यील्ड के। तो बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड की यील्ड तो क्रैश ही करेंगी, और क्रैश करके भी ये बहुत कम हो गई। हालांकि आपको देखने में लगेगा कि सर 7.25 थी और ये 7.26 है, 7.26 है, इससे कम होके 7.19 पे आ गई है, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? इतना तो नहीं पड़ रहा, ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने 400-500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उनको आप अंदाजा लगा के देखिए, उनके लिए तो बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों की बात हो गई। तो इसलिए आप देखोगे कि जो बॉन्ड यील्ड होती हैं ये 4 डेसिमल तक दी जाती है ना, क्योंकि इससे लंबा जो अमाउंट है, ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए आप देखोगे 7.1987 पे आ गई, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में अगर आप देखोगे बॉन्ड यील्ड पे अगर 0.01% भी ऊपर नीचे होता है ना, तो इसको अच्छा या बुरा जो भी है इस तरह से, मतलब इसको काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। और इतना ज़्यादा ऊपर नीचे जाना, 26 से 19 पे आ जाना, ये एक तरह से मार्केट में सिग्नल गया कि ये जो बॉन्ड यील्ड है इंडिया की ये क्रैश कर गई है। फाइन, तो इस वजह से ये डिसीजन रहा। कुछ चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है, ये बॉन्ड क्या होते हैं ये हमने एक्सप्लेन किया, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड का रिलेशनशिप क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या होती है ये एक्सप्लेनेशन इसमें रहा। इसके अलावा आप देखोगे जो भी मॉनिटरी पॉलिसी होती है किसी भी बैंक की, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई है, उसकी जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसका क्या इम्पैक्ट होता है बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर बनते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर इनके बनने के पूरे चांसेस होते हैं, ये डिफिकल्ट माने जाएंगे, बट इस डिस्कशन के आधार पर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट फॉल कर रही है तो लोग क्या करेंगे, लोग मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है और बॉन्ड अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं, तो लोग बॉन्ड खरीदने का प्रयास करेंगे, और जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड खरीदने के लिए लोग जाएंगे, उनकी डिमांड बढ़ेगी और बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ेगी, बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी तो इसकी यील्ड नीचे आ जाएगी। इसका उल्टा होगा, जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ेंगे तो बॉन्ड से लोग थोड़ा कम प्रभावित होंगे, क्योंकि वो मार्केट में अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है उधर ही जाएंगे, तो बॉन्ड की डिमांड कम होगी तो इनकी प्राइसेस कम होगी, जब बॉन्ड की प्राइस कम होगी तो बॉन्ड यील्ड राइज कर जाएगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो 10 साल का जो बॉन्ड इशू करती है यहाँ पे सरकार, देखो बॉन्ड जो हैं ये 5 साल 10 साल ऐसा करके 40 साल तक इशू किए जा सकते हैं, और इंडिया में 10 साल का जो बॉन्ड होता है इसको बेंचमार्क माना जाता है, इसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसको बेंचमार्क मानते हैं, तो उसी के इंटरेस्ट रेट का इन्होंने हवाला दिया है। इसको रट्टा नहीं मारना है कि कितनी इंटरेस्ट रेट है वगैरह, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, और कैसे जो मॉनिटरी पॉलिसी है या जो मार्केट की इंटरेस्ट रेट है ये बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करती है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर, विल ट्राई टू कवर दिस मॉनिटरी पॉलिसी थिंग, कि कैसे इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में आरबीआई ने बैलेंस बनाने का काम किया है। क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आरबीआई की तरफ से ये डिसीजन नहीं आना चाहिए था, इंटरेस्ट रेट बढ़नी चाहिए थी वगैरह वगैरह, तो इसको भी एक अलग लेक्चर में कवर करने का प्रयास करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टूडेज द टॉपिक। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अलावा अनअकैडमी पे इस लिंक पे फॉलो करके फ्री जो क्लासेज हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ के सारी वो चीज़ें एक ही जगह पे आपको मिल जाती हैं जो यूपीएससी तैयारी के लिए ज़रूरी है, जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस है क्लासेस का। आपको यहाँ पे प्रिंटेड जो है नोट्स अभी दिए जा रहे हैं, प्रीलिम्स बुकलेट और क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम, मतलब 2024 का प्रीलिम क्लियर करते हो तो मेंस तक की प्रिपरेशन, पर्सनल मेंटरशिप, दिल्ली में रहना खाना, वो सब अनअकैडमी की तरफ से। ये 8 अप्रैल तक ऑफर है, इसके लिए आप जा सकते हो, सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज कीजिए, पुट द कोड आरबी लाइव टू गेट मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक विद एडेड एडवांटेज। इसके अलावा जो 30 मार्च से नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं इनके लिए एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हो, काफ़ी सारे ऑप्शनल भी हैं, 0% ईएमआई ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। स्ट्रेटजी सेशन और प्रैक्टिस सेशन आपके कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ये फ्री क्लासेज हैं, इनमें एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, करोल बाग दिल्ली के अंदर भी नया बैच स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हो, डिस्काउंट कोड आरबी लाइव आप यूज़ कर सकते हैं। इस संडे को आपका फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 11:00 बजे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अनलॉक कोड आपका आरबी लाइव रहेगा, उसमें आप एनरोल कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन को असेस कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्राइसेस स्कॉलरशिप भी आप जीत सकते हैं। ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।